हेलो एंड वेलकम टू टेली नेटवर्क। आज हम आपको बताने वाले हैं पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी, क्या चल रहा है शो में और आगे इस सीरियल की कहानी लेगी कौन सा नया मोड़। जी हाँ, शो में जहां आप देखते हैं कि कावेरी पोद्दार अपने घर से अभीरा और अरमान को निकालने का फैसला ले लेती है और इसकी सारी जिम्मेदारी विद्या को दे देती है। अभीरा अपनी काबिलियत से जहां दादी साहब पर लगे सारे आरोपों को हटवा देती है, लेकिन इसके बावजूद भी कावेरी पोद्दार अभीरा से नाराज ही है और इस कारण से वो किसी से बातें भी नहीं कर रही। वहीं दूसरी तरफ अभीरा जहां अरमान को माफ कर देती है और उसके कमरे में भी लौट चुकी है, वहीं आगे शो में और भी ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, जहां आप देखते हैं कि आर्यन अभीरा से माफ़ी मांगने के लिए कमरे में आता है और अभीरा अपने इस देवर को माफ़ कर देती है। और अब इसके बाद सभी पहुंचते हैं डिनर पर, जहां अब दादी साग करने वाली हैं तमाशा। जी हाँ, शो में आगे आप देखते हैं कि डिनर से पहले पोद्दार हाउस में जहाँ जश्न का माहौल बना होता है और सभी लोग मस्ती और डांस में लगे हैं, वहीं इसी बीच दादी सा अभीरा का हाथ पकड़ कहती है कि हमारी बदनामी करवाकर अब खुशियां मना रही हो। सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन वहीं फिर अरमान अभीरा की साइड लेने की कोशिश करता है। वहीं दादी सा काफी गुस्से में है और चिल्लाकर कहती है कि इस लड़की की वजह से आज हमें अदालत तक जाना पड़ा। आज तक जो लोग कावेरी पोद्दार से इज्जत से बात किया करते थे, अब वही लोग उंगली उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, दादी साहब अभीरा के इस व्यवहार के लिए उसकी माँ को जिम्मेदार ठहराने लगती है और कोई दादी साहब को समझाने और उनका गुस्सा शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी के भी सुनने को तैयार नहीं होती और फिर वो काफ़ी गुस्से में अभीरा को घर से बाहर जाने का फैसला सुना देती है। इतना ही नहीं, वो अरमान को भी पोद्दार हाउस छोड़ने को बोल देती है। वहीं आगे शो में आप देखते हैं कि दादी साहब का यह फैसला सुन हर कोई हैरान हो जाता है। इसके बाद वो अपनी बहू विद्या को दोनों की पैकिंग के लिए बोल देती है। अब ये सब देख सुन अभीरा काफ़ी इमोशनल हो जाती है और फिर वो दादी सा के पैर पकड़ लेती है और अरमान को सजा देने के लिए मना करने लगती है। अभीरा कहती है कि मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन अरमान या खुद को मत दीजिए। अगर अरमान आपसे अलग हुआ तो वो सब कुछ खो देगा। आपने इस घर को बना कर रखा है, लेकिन अब आप फैमिली को मत तोड़िए। लेकिन दादी सा वहाँ से चली जाती है। वहीं इसके बाद आगे शो में आप देखते हैं कि अरमान दादी सा का फैसला मानने से मना कर देता है और उन्हें बताता है कि पोद्दार हाउस उसके लिए कितना जरूरी है। वहीं इसके बाद दादी सा अरमान से एक अनोखा सवाल पूछती है। दादी सा अरमान से पूछती है कि अगर इस घर में आग लग जाए तो तुम क्या तीन चीजें बचाओगे। इसके जवाब में अरमान फैमिली फोटो, अपनी वकालत की डिग्री और फिर टॉफियों के रैपर का डब्बा ले आता है और कहता है मैं तीन चीजें ही बचाना चाहता हूँ। लेकिन दादी सा का दिल नहीं पसीजता और अरमान का यह जवाब उन्हें पसंद नहीं आता। खैर, तो अब आगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे दादी सा अभीरा के पक्ष में आती है और अरमान क्या फैसला लेता है। सो वेट एंड वॉच फॉर अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स इन सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है। फॉर लेटेस्ट टीवी न्यूज एंड गॉसिप्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल टेली नेटवर्क।